जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और यह कार्यक्रम प्रत्येक दिवस की भांति ही आगे बढ़ेगा आज का विषय है स्थिर बुद्धि कैसे बने स्थिर बुद्धि कैसे बने जी हाँ बुद्धि की स्थिरता कैसे प्राप्त हो कुछ कारणों से थोड़ा विलंब से कार्यक्रम शुरू हो रहा है लेकिन अब यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है आप कार्यक्रम के साथ जुड़कर इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए ठीक है तो चलिए स्थिर बुद्धि की ओर हम चलेंगे समझने का प्रयास करेंगे कि स्थिर बुद्धि कैसे बनेगी स्थिर बुद्धि हमारी कैसे होगी तो यह जो पूरा जो अध्याय है दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय इस अध्याय का नाम है सांख्य योग नामक अध्याय क्या नाम है सांख्य योग तो सांख्य योग नामक जो अध्याय है सांख्य योग की क्या विचारधारा है सांख्य योग की विचारधारा है कि प्रकृति की विषमता तीन तत्व के रूप में प्रकट होकर सबसे पहले महत तत्व को प्रकट करती है अर्थात तो बुद्धि को प्रकट करती है। बुद्धि का कार्य क्या है बुद्धि का कार्य है भेद करना और भेद कैसे करेगी बुद्धि तो जब विषमता होगी जहां समता होगी वहां पर भेद करने के लिए कुछ रहेगा नहीं जब समता होगी तो वहां पर भेद करने के लिए कुछ रहेगा नहीं तो बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेट करना भेद करना अलग अलग चीजों को पहचानना जहां सब कुछ बराबर हो जाएगा इक्वल हो जाएगा सम हो जाएगा जहां सब कुछ वहां पर भेद करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं तो अब बुद्धि की चंचलता अब यहां पर एक और विषय है कि आप यह भी कह सकते हैं कि मन का चंचल होना बुद्धि का चंचल होना बुद्धि का स्थिर होना मन का स्थिर होना क्या अलग अलग है जी नहीं बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर कंफ्यूज रहते हैं जबकि योग सूत्र में हमने स्पष्ट किया है जैसे कि चित्त शब्द का प्रयोग हो रहा है तो मन बुद्धि अहंकार इन तीनों के साथ ही चित्त का प्रयोग हो रहा है चित्त के अंतर्गत ये सब आ गए मन भी आ गया बुद्धि भी आ गया अहंकार भी आ गया तो जब भगवान श्री कृष्ण यहां पर बुद्धि की स्थिरता की बात कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं स्थिर बुद्धि की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर मन भी आ गया अहंकार भी आ गया सब आ गया ठीक है अब अलग से ये प्रश्न मत बना दीजिएगा कि भाई ये तो आपने बुद्धि की स्थिरता बताई मन की स्थिरता बता ऐसा लोग प्रश्न कर चुके हैं इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर अब यह प्रश्न मत करिए कि भाई मन की स्थिरता कैसे होगी हमें तो मन स्थिर करना अरे एक ही बात है जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक मन स्थिर होने का कोई मतलब ही नहीं है प्रश्न ही नहीं उठता है तो आपको जो स्थिर करना है वो बुद्धि को ही तो करना है ना इंद्रियों से जो भी अनुभूतियां हैं वो कौन ग्रहण कर रहा है बुद्धि ही ग्रहण कर रही है तो यह विषय पहले समझ लेना चाहिए अब बुद्धि का अस्तित्व कैसे हुआ सांख्य शास्त्र के अनुकूल हम इसको समझेंगे सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने फिलॉसफी कोर्स किया है उनको सांख्य का संपूर्ण लेक्चर दिया जा चुका है व्याख्यान मिल चुका है तो सांख्य क्या कहता है कि प्रकृति में एक विषमता से तीन गुणों में विषमता आती है और उससे महत्व तत्व विकसित होता है बुद्धि तत्व विकसित हो जाता है जो भेद करेगा तो भेद की संभावना कहां पर है जहां विषमता है वहीं तो भेद संभव है और जहां समता है वहां पर क्या भेद करोगे वहां पर भेद करने के लिए कुछ रहेगा नहीं तो वैसे ही बुद्धि की चंचलता बहुत अधिक है क्योंकि अनेकों विषमताएं हैं और विषमताएं तीन गुणों के हैं तीन गुण सतोगुण रजोगुन तमोगुन इनकी विषम विषमताएं हैं कभी रजोगुण बढ़ता कभी सतोगुण बढ़ता कभी तमोगुन बढ़ता कभी हम पर सतोगुण हावी कभी हम पर तमोगुन हावी तो कभी हम पर रजोगुन हावी यह प्रक्रिया चलती रहती है तमोगुन रजोगुन सतोगुन की और उसी में बुद्धि अपना कार्य करती है बुद्धि को वही आधार मिलता है अगर इन तीन गुणों की विषमता ना हो तो बुद्धि रहेगी ही नहीं फिर तो बुद्धि को तो कोई आधार ही नहीं मिलेगा फिर अस्तित्व में बने रहने का तो बुद्धि अस्तित्व में तभी बनेगी जब विषमता प्राप्त होगी जब विषमता मिलेगी और तीन गुणों से विषमता मिल रही है तीन गुणों से विषमता मिल रही है जब तीनों गुण सम हो जाएंगे तो समता आ जाएगी फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं तो यह भी हमें विचार विचार कर लेना है समझ लेना है और योग का लक्ष्य क्या है समत्व की प्राप्ति योगस्त कुरु कर्माणी संग त्यक्वा धनंजय सिद्धया असिद्धयो समो भूतवा समत्व योग उच्चते समत्वम समत्व ही योग है समता की प्राप्ति ही योग का उद्देश्य है सम हो जाना ही योग है आप सम हो जाइए आप समता की प्राप्ति कर लीजिए आप जब तक आप जो कुछ भी करते हैं अपने शांति के लिए करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं शरीर के स्वास्थ्य का वर्धन करते हैं आजकल योगा का जो ज्यादा महत्व है वो मन को शांत करने के लिए कम है शरीर के लिए ज्यादा है मतलब कि जो समाज में जो प्रचलित योगा है योग नहीं योगा है वो तो वो जो है वो देह के लिए ज्यादा है देह में अच्छी बेंडिंग आ जाए अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए उन सब चीजों के लिए अधिक है मन के लिए बहुत कम है लेकिन सत्य तो यह है कि जब बात मन बुद्धि चित्त अहंकार की हो रही है तो उनकी समता की बात होगी और बुद्धि की समता बुद्धि का अस्तित्व है तीन गुणों के भेद से और उन तीन गुणों के भेद के कारण इंद्रियां इस संसार का अनुभव करती हैं और अनेकों विचार उत्पन्न करती हैं अनेकों वृत्तियां उत्पन्न करती हैं और यह वृत्तियां विकसित होती रहती हैं कोई व्रति तत् के वशीभूत है कोई व्रति तमोगुण के वशीभूत है कोई व्रृत्ति रजोगुण के वशीभूत है राजसी गुण के वशीभूत है जी हां और यह वृत्तियां चलती रहती हैं हमारे अंदर स्थिति कैसी हो जाती है तालाब में बहुत सारे लोग पत्थर फेंके तो उस तालाब में अनेकों तरंगे निकलती रहती हैं अनेकों तरंगे निकलती रहती हैं अब भला वह तालाब शांत कैसे होगा शांत तो वो हो नहीं पाएगा अब उसको शांत होने के लिए कि भाई बाहर से लोग पत्थर फेंकना बंद करें या तो लोग मान जाए या फिर तालाब के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम हो जिससे कि तालाब अपने आप को कवर कर ले और बाहर की कोई चीज उसके अंदर प्रवेश ना करे और जैसे ही ये बाहर से अंदर जाने की प्रक्रिया बंद होगी वैसे ही तालाब की जो सतह है शांत हो जाएगा उसमें तरंगे उत्पन्न नहीं होंगी उसमें वृत्तियां उत्पन्न नहीं होंगी तरंग वेव्स नहीं क्रिएट होंगे वैसे ही अनेकों वृत्तियों से मन हमारा अशांत रहता है अनेकों संस्कार अनेकों विचार अनेकों बातें मन में आती रहती हैं और हमें अशांत करती रहती हैं, हमें दुखी करती रहती हैं, हम अशांत होते रहते हैं और कई बार मन की स्थिति एक बंदर के समान हो जाती है चंचल बंदर एक बंदर जो अपनी प्रकृति से ही चंचल उनमें से भी कुछ विशेष प्रजाति का बंदल जो विशेष चंचल और एक बार उसे उसके मदारी ने उसको शराब पिला दी शराब पिला दी वो अत्यंत चंचल हो गया और उस नशे में उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया सोचो तो वो और कितना चंचल हो जाएगा मन इस प्रकार से चंचल हो जाता है चित्त इस प्रकार से विचलित हो जाता है और बुद्धि इस प्रकार से अत्यंत ही अस्थिर हो जाती है चंचल हो जाती है अब इस, इस मन को इस बुद्धि को शांत कैसे किया जाए किस प्रकार से बुद्धि को स्थिर किया जाए तो आध्यात्मिक समझ से स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आध्यात्मिक समझ हमें अगर विकसित हो जाए और साथ ही साथ अभ्यास अभ्यास जरूरी है अभ्यास भी हो जाए तो निश्चय ही हम अपने बुद्धि को शांत कर सकते हैं हम स्थिर बुद्धि हो सकते हैं वर्तमान में इसकी बहुत आवश्यकता है वर्तमान में अभी इसकी बहुत आवश्यकता है अभी पीछे मुझे एक कुछ महीनों पहले की बात है एक महिला ने मुझे फोन किया वो योग शिक्षिका थी योग शिक्षिका मतलब योगा टीचर वो हैं मान्यता प्राप्त उनको उन्होंने बात किया और उनकी इच्छा थी कि वो कुछ योग के क्षेत्र में करें मैंने कहा कि जरूर कीजिए अवश्य कीजिए करते गई चलो कुछ कुछ बातें कभी वो कर लेती थी लेकिन एक समय ऐसे ही कुछ मानसिक रोगों पर कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कोई मानसिक रोगी नहीं हूं मैंने पूछा कि ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है आपको मैंने तो आपसे कहा नहीं कि आप मानसिक रोगी हैं तो उन्होंने फिर अपनी पूरी कहानी बताई कि उनका इलाज चल रहा है किसी साइकेट्रिस्ट के पास चल रहा है इलाज और वो उनको ये लोग कहते हैं कि उनको ये मानसिक रोग है और उनका इलाज चल रहा है साइकेट्रिस्ट के पास मैंने कहा कि आप तो योग शिक्षिका हैं आप तो आपके लिए क्या है आप तो ठीक हो जाएंगी अपने योग बल से ही इसको ठीक करिए तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे कंट्रोल के बाहर है जब मेरे विचार अनियंत्रित होते हैं तो मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं किससे बात करती हूं क्या बात करती हूं और बहुत तरह की समस्या उनको आनी शुरू हो जाती है और उनको नहीं पता चलता है उनके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं फिर तो मानसिक रोग बहुत बढ़ रखा है समाज में मानसिक रोगों का बहुत अधिक विस्तार हो रखा है लेकिन हमें अगर हम समझदार हैं हम समझते हैं कि यह सुख दुख क्या है यह क्या है कई बार हम इस संसार से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कई बार हम धन वैभव को लेकर कई बार हम कैरियर को लेकर कई बार हम लाइफ पार्टनर को लेकर कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर के ऐसे सपने देखते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट वाला मुझको मिलेगा और दुनिया बदल जाएगी जिंदगी बदल जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा और कई बार नहीं मिलता है तो बेचारे फिर उनको लगता है कि अभी भी मुझे कोई मिलेगा शायद जीवन में बहुत तरह की ऐसी बातें मन में और मन को चंचल कर देती हैं और व्यक्ति बहुत बार बहुत आशाएं उम्मीदें संसार से लगाकर बैठता है वो संसार जो नित्य परिवर्तनशील है एवर चेंजिंग है वो संसार जो एवर चेंजिंग है नित्य परिवर्तनशील है उससे मनुष्य बहुत सारी आशाएं लगाकर बैठ जाते और ऐसी अवस्था में वो अशांत होता रहता है अंततः बुद्धिमानी तो यही है ना कि आप यह स्वीकार करें कि यह संसार ऐसा ही है परिवर्तनशील ही है आप दोबारा उस नदी में नहीं नहा सकते जिसमें आप एक बार पहले नहा चुके हैं जी हां वो नदी का पानी बह गया नया पानी आ गया आप नए पानी में नहाएंगे लेकिन हेरेक्लाइटस ने कहा कि नहीं दोबारा आप उस नदी में भी नहीं नहा सकते तो हेरेक्लाइटस का कहना था कि जी काल के परिवर्तन के साथ वो नदी भी बदल गई है वही नहीं रह गई जिससे आप पहले नहाए थे एक समझ विकसित होना जरूरी है संसार परिवर्तनशील है परम शांति आपके भीतर है आत्मज्ञान में है उस ओर बढ़ना आवश्यक है इस ओर बढ़ने के लिए अभ्यास जरूरी है ध्यान योग का अभ्यास ध्यान योग आपको बाहर की दुनिया से काटकर भीतर में स्थित होना सिखाता है कैसे अंदर में स्थिर होना है यह ध्यान योग आपको सिखाता है ठीक है तो हमें इस ध्यान योग को फली भाती जानकर इसका अभ्यास करने से बुद्धि स्थिर हो जाएगी क्योंकि वो बाह्य विचारों से कट जाएगी तो किस प्रकार से स्थिर होगी यह भी समझने का विषय है और श्री भगवान अर्जुन को यही विषय समझाते हैं अर्जुन का इसी विषय में प्रश्न है अर्जुन इन्हीं विषयों में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है कि आपने जो स्थित प्रज्ञ योगी की बात की है महापुरुष की बात की है वो कौन होता है स्थित अर्जुन उवाच श्रीमद भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग नामक अध्याय चौवन श्लोक फिफ्टी फोर स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम हे केशव हे कृष्ण समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है कैसे बैठता है कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करता है यह अर्जुन का प्रश्न और भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं प्रजहाती यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्े वात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञुचते हे प्रथानंदन जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति उनका त्याग कर देता है अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है वास्तव में देखिए इस विषय को समझना है कुछ भी त्याग करने की आवश्यकता नहीं है प्रजहाती भगवान कहते हैं प्रजहाती अलग कर लेता है यहां पर त्याग करने की बात कही गई है लेकिन त्याग करना इसका अर्थ नहीं है अलग कर लेना किसी स्थान से अलग हो जाने का मतलब त्याग ही है ऐसा नहीं है ठीक हे अर्जुन मन में आई संपूर्ण कामनाएं और संपूर्ण विचार जो आते हैं अपने आप को उनसे अलग कर लो उनको अपना हिस्सा पहले तो यह समझ विकसित करो कि उनको अपना हिस्सा मत मानो अपना हिस्सा मत समझो अपने व्यक्तित्व से अलग करो उसे भाव से देखो अपने विचारों को अपने वृत्तियों को मन में ऐसी बातें आ रही हैं मन में वैसी बातें जा रही हैं आ रही हैं जा रही हैं मैं तो ये विचार नहीं हूं मैं तो ऐसा नहीं हूं मैं तो वैसा नहीं हूं ठीक अपने आप में ही हो जाओ आत्मना आत्मनी एवं तुष्ट तदा स्थित प्रज्ञ उच्चते जो अपने आप में ही स्थित है आत्मना आत्मनी अपने आप में ही जो स्थित है आत्मना आत्मनी एवं ष्ठ तदा संतुष्ट रहता है वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है वही स्थिर बुद्धि है जी हां जो अपने आप को वृत्तियों की प्रतिक्रिया से वृत्तियों के मन बुद्धि और मन के अंदर अनेकानेक वृत्तियां जो उत्पन्न होती हैं वृत्तियों की क्रिया और प्रतिक्रिया से जो स्वयं को अलग कर ले अब अलग कैसे करेगा प्रश्न ये है ये सबसे बड़ी बात है इतना तो आपने सुन लिया समझ लिया कि वो अलग कर ले कैसे अलग होगा अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाए अपने मन बुद्धि अहंकार को अपनी आत्मा में ही स्थित करे यही उपाय है अलग होने का यही तरीका है जबरदस्ती अलग नहीं हो पाओगे यही स्वामी राम तीर्थ के जीवन की एक घटना है स्वामी राम तीर्थ देश की आजादी से पहले स्वतंत्रता से पहले उन्नीस से पहले लगभग 20-25 साल पहले उन्होंने उनके जीवन उन्होंने समाधि ली जल समाधि ली थी लेकिन वो लाहौर में उनका जन्म हुआ था तो स्वामी राम तीर्थ जो थे उन्होंने निर्णय लिया कि मैं सेब नहीं खाऊंगा सेब मुझे बहुत लालची मेरे मन को सेब जो है विचलित करते मन को सेब विचलित कर देते हैं मैं सेब नहीं खाऊंगा तो उन्होंने प्रण लिया मैं सेब को देखूंगा भी नहीं और जब मैं देखूंगा नहीं तो मन में खाने का लालच पैदा नहीं होगा और मैं बच जाऊंगा तो इसे हम कहेंगे वास्तव में त्याग लेकिन यहां अलगाव नहीं हुआ है वास्तव में जिस वस्तु का आप त्याग करते हैं उससे आप अलग नहीं हो पाते हैं क्योंकि त्याग की भावना बनी रहती है कि मैंने इस चीज को छोड़ दिया है तो त्याग की भावना बनी रहती है और वो त्याग की भावना उस वस्तु से अलग होने नहीं देती है मैंने ये छोड़ दिया मैंने वो त्याग दिया त्याग नहीं है यह त्याग नहीं है यह तो बंधन है यहां पर इस त्याग में भी बंधन है मैंने ये छोड़ दिया मैंने वो छोड़ दिया मेरा ये मेरा वो यह भी तो एक बंधन है तो ऐसा त्याग नहीं तो योग मार्ग यह नहीं कहता कि आपको छोड़ दो आप बस अपनी आत्मा में स्थित होने का हुनर सीख लो आप अपनी आत्मा में स्थित होने का ज्ञान प्राप्त कर लो आत्मा में स्थित होने की प्रतिभा जान लो टेक्निक जान लो युक्ति जान लो तकनीक जान लो और उसका अभ्यास करो वह तकनीक ही ध्यान योग है आप अपने भीतर ही स्थित हो जाइए आप अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाइए ठीक है वो जो तरीका सीखने की जरूरत है और ध्यान योग वही है कि कैसे हम अपने भीतर जाकर स्थित हो जाएं और जब हम अच्छे से अपने भीतर स्थित हो जाएंगे तो बाह्य जगत से अपने आप संपर्क टूट जाए स्वतः ही हमारा संपर्क टूट जाएगा और जब हमारा संपर्क टूट गया तो हम आत्मस्थित हो जाएंगे और स्थित प्रज्ञ भी हो जाएंगे बाहर की चीजें हमें अब परेशान नहीं करेंगी। आएंगी हम उन्हें साक्षी भाव से देख लेंगे व्यथित नहीं होंगे इसलिए भगवान कहते हैं कि मन में आई संपूर्ण कामनाओं से अपने को अलग कर कर आत्मना आत्मनी एवतुष्टता अपने आप से अपने आप में ही आत्मना आत्मनी अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है तो स्थिर बुद्धि की अवस्था जो साधक अपने ही भीतर अपनी ही आत्मा में अपने आप को एकाग्र करता है अपने आप को स्थित करता है वह सर्वदा संतुष्ट रहता है आनंदित रहता है ठीक है आगे भगवान कहते हैं सुखेशु विगत वीतराग भय क्रोध स्थित मुनि मुनिच्चते दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता दुखेशु अनु विघ्न मना वीतराग भय क्रोध मुनि स्थिति उच्चते दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग ना हो सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा ना हो कोई आसक्ति सुखों के प्रति कोई राग ना हो और दुखों के प्रति कोई द्वेष ना हो जो वीत राग भय क्रोध जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो मतलब तो इन वृत्तियों का प्रभाव जिसके ऊपर ना हो रहा हो अपने आप को इन सब से वो अलग कर पाए अपनी आत्मा में ही स्थित हो पाए ऐसा मनन शरीर मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है स्थिर बुद्धि स्थित लक्षण भगवान यहाँ बता रहे हैं, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है सर्वत्र अनिभस्नेतत शुभाशु प्राप्य न अभिन्दंती न दृष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठता यह, यह सर्वत्रान स्नेस्तत्प्राप्य शुभा शुभम नाभिनदी न ना दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सब जगह आसक्ति रहित तो हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है शुभ प्राप्त हुआ अशुभ प्राप्त हुआ इससे वह चंचल नहीं होता इससे वह व्यथित नहीं होता उसकी बुद्धि स्थिर रहती है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, करता है और बुद्धि उसकी स्थिर रहती। यदा रहतीम अंगानी इंद्रिया इंद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जिस तरह से कुर्मो मतलब कछुआ जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है ऐसे ही जिस काल में यह कर्म योगी अपने इंद्रियों को भी इसी प्रकार से हटा लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है जी हां जो स्वयं को अलग करना जानता है अलग करना है कुछ त्याग नहीं करना है कुछ छोड़ना नहीं है बल्कि अलग करना है अलग अलग करने की क्रिया को सीखना है और अलग करने की क्रिया भी नहीं वास्तव तो में अलग भी कुछ नहीं करना है सच पूछो तो अपनी आत्मा में ही अपने ही भीतर स्थित हो जाना है यही काम करना अगर ये कार्य हो गया तो सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी आत्मना आत्मनी अपने आप से अपने आप में ही स्वयं के द्वारा स्वयं में ही स्वयं के द्वारा स्वयं में ही स्थिर होना स्वयं के द्वारा स्वयं में ही स्थित हो जाना यह काम करना है अगर ये काम कर लिए तो विषयों का त्याग भी अपने आप हो जाएगा वृत्तियों से अपने आप को अलग कर पाना भी संभव हो जाएगा और यह स्थित प्रज्ञता की अवस्था भी आसानी से प्राप्त हो तो पूरी बातों का निचोड़ ये है कि स्थित प्रज्ञ कोई कैसे बने प्रश्न यही है ना आज का विषय क्या है हमारा टाइटल क्या है वीडियो का टॉपिक क्या है कि कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कैसे बने कुछ मत करो कुछ त्यागने की जरूरत नहीं कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं बस अपने भीतर अपने आप से ही अपने आप में ही स्थित होने का प्रयास करो उस विद्या को सीखो कि हम अपने आप से ही स्वयं के द्वारा ही अपने आप से ही अपने ही भीतर में हम स्थित हो सके अपने आप से ही अपने ही भीतर हम स्थित हो सके बस इतना काम कर लो स्थित प्रज्ञता अपने आप हो जाएगी स्थिर बुद्धि अपने आप हो जाएगी कुछ त्यागना कुछ छोड़ने के चक्कर में नहीं अपने भीतर स्थिर होने के चक्कर में पड़ना है स्वयं को जानने की कोशिश करना है और स्वयं में ही स्थित होने की कोशिश करना है स्वयं में ही स्वयंभू है और स्वयं को जानकर ही कोई स्वयंभू को जान सकता है बिना स्वयं को जाने कोई स्वयंभू को नहीं जान सकता बिना आत्मा को जाने कोई परमात्मा को नहीं जान सकता ना ईश्वर को जान सकता है यह भ्रम हमेशा के लिए दूर कर लो कुछ लोग आ जाते हैं कि नहीं हम आत्मा नहीं हम तो परमात्मा को महत्व देते हैं अरे भाई जब तक तुम्हें आत्मा का ही ज्ञान नहीं परमात्मा का ज्ञान तो कहां से संभव हो पाएगा तुम्हारे लिए ठीक है जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं परमात्मा का ज्ञान भला कैसे संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा फिर तो इसीलिए आत्मा को जानना स्वयं को जानना स्वयं में ही स्वयंभू है स्वयं से ही स्वयंभू है स्वयं को जानो तो स्वयंभू को जानोगे आत्मा को जानोगे तभी परमात्मा को जानोगे अन्यथा संभव नहीं है कि तुम परमात्मा को जान पाओ आजकल बहुत तरह का प्रचार देखने को मिलता है कोई कहता कि ये परमात्मा है वो परमात्मा है कोई कबीर को परमात्मा बता रहा है कोई शिव बाबा को परमात्मा बता रहा है कोई अपने गुरु जी को परमात्मा बता रहा है अरे भाई बिना आत्मा को जाने परमात्मा का ज्ञान संभव नहीं है आत्मा के रहस्य उद्घाटन से ही सारे रहस्य प्रकट ठीक है तो आत्मा को जान लोगे तो फिर अपने आप इसलिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं बस अभ्यासी बनो अपने आप को कछुए की तरह समेटना सीखो बस दैट ऑल कछुए ने कुछ त्यागा नहीं है बस उसने अपने आप को अपने अपने आप को अपने में ही स्थित कर लिया है बाहर से अपने इंद्रियों को समेटा अपने पैरों को और एक जो कवर लगा है ना उसके मोटा सा कवर जो हथौड़ी मारने से भी नहीं टूटने वाला आसानी से उसके अंदर अपनी पूरी बॉडी को समेट लेगा भाई अब ऊपर से जिसको जो वार करना है करते रहो लाठी भी मार दे तो भी उसको छेद नहीं पाएगा उसको तोड़ नहीं पाएगा उसके उसके पीठ के ऊपर जो इतनी मजबूत शेल होती है कवर होती है ठीक वैसे ही अपने आप से अपने आप में ही स्थित हो जाओ स्वयं से ही स्वयंभू को प्राप्त हो जाओ स्वयंभू में जाके स्थित हो तो स्वयं से ही करना पड़ेगा और इसी से स्थिर बुद्धि हो जाएगी अपने आप जब आपने ऐसा कवर कर लिया चारों तरफ से तो अब बाहर से कोई तालाब में तालाब को अगर कवर कर दिया गया अब कोई पत्थर मारे अब पत्थर जाएगा ही नहीं अंदर तो तालाब तो शांति से रहेगा ना फिर वैसे ही आपका चित्त आपका मन आपकी बुद्धि भी शांति से रहेगी फिर जब कोई विचार या वृत्ति रूपी कोई कामना रूपी या विषय रूपी कोई पत्थर उसमें ना जाए आपने रोकना नहीं है कि पत्थर ना है, बस आपने आप को अपनी जगह पर रखना है अपने आप को अपनी आत्मा को अपनी ही आत्मा में अपनी ही आत्मा से स्थिर करना है बस हो गया इसी से स्थिर बुद्धि प्राप्त हो जाएगी स्थित प्रज्ञता प्राप्त हो जाएगी क्योंकि बाह्य जगत से नाता संबंध खत्म होते ही आप स्थिर बुद्धि को प्राप्त होना शुरू हो जाओगे ठीक है जिज्ञासु तो यह मुख्य विषय था कि स्थित प्रज्ञ कोई कैसे बनेगा स्थिर बुद्धि कोई कैसे बनेगा इसी विषय पर आज हमने यह चर्चा की है और यह कैसे बनेगा तो जो ध्यान योग का जो कोर्स है वो इसी उद्देश्य से है ध्यान योग स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी दिसंबर 2022, ड्यूरेशन वन मंथ गाइडेड मेडिटेशन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन स्पिरिचुअल हीलिंग ज्वाइन Jupiter एंड सन मेंबरशिप कॉन्टैक्ट नाइन सिक्स सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस कॉन्टैक्ट पर आप संपर्क कर कर डिटेल ले सकते हैं तो ध्यान योग वह टेक्निक है ध्यान योग वह युक्ति है ध्यान योग वह प्रोसेस है जिससे कि स्टेप बाय स्टेप जब आप साधना करोगे प्रणव साधना करोगे तो आप अपने ही भीतर एकदम ऐसी अवस्था में चले जाओगे एकदम स्थिर शांत बाहर से कुछ विचार आएगा भी तो आपको ज्यादा छेद नहीं पाएगा आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा धीरे धीरे वो निष्क्रिय होने लगेगा बाहर के विचार आपके लिए ज्यादा कुछ नुकसान पहुंचाने में या आपके मन को विचलित करने में सफल नहीं हो पाएंगे तो हमें इस प्रकार से विचार करना चाहिए स्वयं को जानना है स्वयं में ही स्थित हो जाना है स्वयं में स्थित होने से ही कोई स्वयंभू को जान पाएगा और स्वयंभू कहला पाएगा ठीक है तो ध्यान योग नितांत आवश्यक है अगर आप स्थित बुद्धि या स्थित प्रज्ञता या स्थिर बुद्धि को समझना चाहते हैं बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ध्यान योग हमें जरूर करना चाहिए ध्यान योग का कोर्स 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है विलंब ना करें ज्वाइन कर रहे कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है आप भी अतिशीघ्र ज्वाइन कर कर इसका पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें ठीक है तो अभी हम विराम की ओर चलेंगे तो ध्यान योग का भी कोर्स है साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स है तो इसका भी अगर हम लाभ उठाएं तो यह भी योग के मार्ग पर हमारी बहुत सहायता करता है और बिना दवा के बिना दवा दारू इस्तेमाल किए बिना ड्रग्स के बिना केमिकल युक्त दवाइयों के आप अपना इलाज कर सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा से तो वनली नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम डॉक्टर तो यह भी कोर्स चलता है 20 दिसंबर से यह भी शुरू होगा अवश्य अवश्य आप इससे लाभान्वित हो ठीक तो जिज्ञासु कोर्स ज्वाइन करें लाभ उठाएं तो आगे हम चलेंगे इस कार्यक्रम को हम विराम दे देख लेते हैं कौन कौन महानुभाव आए हैं आज राकेश मराठे जी बहुत अभिनंदन है शंकर प्रसाद जी सविता नायक जी बिक्रम सिंह जी कन्हई कुमार जी राजू पाल हरी जी पवन कुमार गुप्ता जगत नारायण शिखर शर्मा बबीता धीमान स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ राम लखन राजपूत अवनी प्रधान जी नूतन भट्ट जी अर्जुन भाई चौहान जी संतोष कुमार जी राम निवास मीना जी गोविंद प्रसाद नीमा जी विनोद के सुद ए के त्यागी जी, भूप सिंह जी विष्णु चंद्र मौर्य जी खास राने रतन सिंह जी राम विलास जी घनश्याम सरोदे जी अमन कक्कर जी आशा रानी जी श्वेता राय सिन्हा जी बहुत बहुत अभिनंदन है अजय नागरे जी दया रानी जी प्रभु दत्त शर्मा जलाराम रायका, सुनिधि पाठक श्वेता कुमारी सुरजीत पात्रा भिखू कु माधुरी कोल्हे विमल रा रमेश यादव योग टेक एस पी सैनी जी योगेंद्र पंडित जी योगेश योगेशरनर राकेश गुप्ता जी पंकज सोनी जी सविता नायक गंभीर शाह जी गौरव शाह जी इस प्रकार से कार्यक्रम से सभी लोग लाभान्वित हों निश्चय ही लाभ उठाएं और अपने जीवन का कल्याण करें इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जाता है और निश्चय ही आप कोर्सेज ज्वाइन करें आप कोर्सेज ज्वाइन कर कर कहीं ना कहीं इस अभियान में भी एक सहायता प्रदान करते हैं तो चलिए इसी के साथ हम विचारों को विराम देंगे और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 पीएम पर आप सभी का बहुत बहुत आभार अभी के लिए और कल फिर लाइव चर्चा में हम आगे बढ़ते हुए विषयों पर श्रीमद् भगवद गीता में आगे के श्लोक वो क्या शिक्षा देते हैं अभी तक तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान ने बताए ऐसे ही आगे बहुत सारे वो चीजें बताएंगे भगवान श्री कृष्ण और लक्षण स्थित प्रज्ञ के हमने आज सुना कल और आगे के विषयों का हम लाभ उठाए चलिए इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहां विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं नाइन पीएम लाइव चर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी का